अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक है इंशाल्लाह। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे और लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो हमने स्टार्ट करनी है 9.2 से पहले बच्चों हम क्या करते हैं, इसकी जो कुछ डेफिनेशन है उनको अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, फर्स्ट हमारे पास है जनरल एंगल, जिसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। अब देखें जनरल एंगल क्या होता है, या क्वाड्रेंटल सॉरी कोटर्मिनल एंगल, जनरल एंगल या फिर कोटर्मिनल एंगल। जनरल एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल, एन एंगल विद सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड, वो एंगल जिसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये देखो जरा, ये मैंने एक एंगल चूज किया जिसका नाम है अल्फा, ठीक है। इसी तरह मैंने एक और एंगल यहां पे चूज किया है, ये पूरा एंगल जिसका नाम है बीटा। मुझे बताएं अल्फा और इस बीटा दोनों की इनिशियल साइड, इनिशियल का मतलब क्या है, जहां से ये एंगल स्टार्ट होता है, दोनों की क्या है, सेम। टर्मिनल साइड वो साइड होती है जहां पे एंगल एंड होता है। क्या ये दोनों सेम है, इनिशियल और टर्मिनल साइड दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, कोटर्मिनल एंगल। एक चीज आपने याद रखनी है, अगर इस अल्फा में, इन दोनों का आंसर भी हमेशा क्या निकलता है, सेम। इस अल्फा, असल में इसी अल्फा में उन्होंने एक पूरी रेवोल्यूशन कंप्लीट की हुई है। इस अल्फा में अगर हम जितनी मर्जी रेवोल्यूशन ऐड करें, ठीक है, जितने मर्जी चक्कर कंप्लीट करके हम ऐड करते जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर ये अल्फा है, इस अल्फा में एक और चक्कर कंप्लीट करें, फिर एक और चक्कर काउंट करें, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, अल्फा हमारे पास उसका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन के लिए हमें दो चीजें पॉइंट जो है वो याद रखने चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, वर्टेक्स जो होती है वो ओरिजिन पे होनी चाहिए। एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में तब होगा जब उसकी वर्टेक्स कहां पे होनी चाहिए, ओरिजिन पे। और ये स्टार्ट कहां से होना चाहिए, इसकी जो इनिशियल साइड है, जो इसकी इनिशियल साइड होती है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होनी चाहिए। मतलब ये देखें जरा, ये हमने कोई एंगल चूज कर लिया, मतलब कोई हमने आर्म चूज कर लिया, मुझे बताएं इसकी वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन पे है। ओके, अब ये देखें एंगल हमेशा किस एक्सिस से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव एक्सिस से। तो ये हमारे पास अल्फा है, तो अल्फा किस में है, स्टैंडर्ड पोजीशन में है। अब अगर मैं यहीं पे आपसे कहूं कि बच्चों ये मेरे पास एक एंगल है, तो वर्टेक्स कहां पे, ओरिजिन पे, मैयर हमेशा कहां से करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये हमारे पास, इसको नाम दे देते हैं बीटा। तो अल्फा और बीटा ये जो दोनों हैं, इन कंडीशन को सेटिस्फाई करें, कैसे सेटिस्फाई करें, वर्टेक्स जो दोनों की है ओरिजिन पे है, एंगल कहां से मैयर कर रहे हैं हम, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जिसमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करें उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। क्वाड्रेंटल एंगल क्या होता है, एंगल विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड या और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो एंगल जो एक्स एक्सिस पे आए या फिर वाई एक्सिस पे आए। जैसे आप ये देखें, ये क्या है 0 डिग्री, ये क्या होता है 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, और उसके बाद 360 डिग्री। मतलब ऐसे चलते जाएं इसी सीक्वेंस के साथ, 90 90 के ऐड करते जाएं, तो ये सारे के सारे एंगल जो एक्स एक्सिस पे आएंगे और वाई एक्सिस पे आएंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 9.2 स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों ने लाजमी माइंड में रखनी है, डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन ये बुक उसमें पेपर में आ जाती होती हैं। तो 9.2 स्टार्ट करते हैं। 9.2 से पहले कुछ यहां पे आपको नोट बताऊंगा, वो आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। अगर ये नोट आपको याद हो गए तो आपके लिए 9.2 हलवा है, आपको मुश्किल ही नहीं लगनी, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन क्या है, देखें जब हम क्वाड्रेंट कोई भी ड्रॉ करते हैं, आपको पता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको पता है जो टोटल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में हम क्या कहते हैं,
साइन पॉजिटिव और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है और टेंजेंट का रेसिप्रोकल। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव और कॉस का रेसिप्रोकल। फर्स्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, सेकंड में साइन और साइन का रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है वैसे, क्या होता है? कोसेकेंट। गुड, इधर साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोटेंजेंट, और यहां पे कॉस का सेकेंट। साइन कॉस, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव। साइन और साइन का रेसिप्रोकल, टेंजेंट और टेंजेंट का रेसिप्रोकल, कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल। ठीक है, एस टी सी, इसको हम याद कैसे करते हैं? दो काफी मेथड है इसको याद रखने के। पहला क्या है? एक्स। अगर आप यहां से स्टार्ट करें ACTS, क्या पढ़ेंगे? एक्स। या फिर ये तो पहला पॉइंट है ना, दूसरा हम इसको ये भी कह सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स टेक चॉकलेट। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स टेक चॉकलेट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ऑल सिल्वर टी कप। मतलब अपने अपने मेथड बनाए हुए हैं, ठीक है, ऑल सिल्वर टी कप, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, ये सारे इसके नाम हैं। हम किस तरह से पढ़ेंगे? हम ये पढ़ेंगे आओ सजना टूर चलिए। ठीक है, ये मेथड सबसे आसान है जो मुझे लगता है। ठीक है, और ये हमने खुद मतलब इसको देखें, आओ सजना टूर चलिए, आओ सजना टूर चलिए। इन सबसे बेहतर जो है वो ये है। अगर मैं आपसे कहूं जब भी सजना कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आपने क्या कहना है? सेकंड में। मैं कहता हूं टूर कौन से क्वाड्रेंट में, आपने कहना थर्ड में, चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, आओ सजना टूर चलिए, इस तरह से हमने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों? सेकंड पॉइंट हमारे पास ये आता है, मैं आपसे पूछता हूं कि एंगल बताएं कौन से। आप कहते हैं सर यहां पे आता है 0 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास क्या आता है? 90 डिग्री। यहां पे बच्चों 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और यहां पे 360 डिग्री। इस तरह से हम इनको अरेंज करते होते हैं। अब आप ये देखें जो आपको मतलब याद रखने वाली बात है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जैसे टेंजेंट की बात करते हैं, ये दो जगह पे पॉजिटिव होता है। कौन कौन सी जगह पे? या तो ये अपने क्वाड्रेंट में होगा या फिर फर्स्ट में। कॉस कितनी जगह पे पॉजिटिव होगा? दो जगह पे, या तो अपने क्वाड्रेंट में या फर्स्ट में। इसके अलावा क्या होगा? नेगेटिव। मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, दो जगह पे पॉजिटिव, दो जगह पे नेगेटिव। ओके, हो गया। अब मैं अगर आपसे कहूं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, उसकी डायग्राम कैसे बनानी है आपने? ये डायग्राम बनानी है बस। मैं कहता हूं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, आपने उसकी डायग्राम ऐसे बना देनी। मैं आपसे कहता हूं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, आपने डायग्राम ऐसे बनानी। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आपने ये डायग्राम बनानी। मतलब हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये, मतलब जब भी हम डायग्राम बनाएंगे, ये हमारे पास क्या होंगे? हाइपोटेनियस। जो वाई एक्सिस है ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। और एक्स एक्सिस क्या होगा? ये बेस होगा। ठीक है, जैसे ये हम यहां पर डिस्कस करते हैं, हमारे पास हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल चूज किया। ठीक है, आपको पता है ये हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर। इसको हम क्या बोलते हैं? बेस। और ये क्या होता है? हाइपोटेनियस। ठीक है, अब ये देखें, अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले बताएं पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, बताएं जरा पैथागोरस थ्योरम क्या होता है। पैथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, पैथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। नंबर फोर, ये सारे के सारे पॉइंट अगर आपको याद होंगे, ठीक है, बेसिक पॉइंट है जो आपने पढ़े हुए पहले भी, तो ये आपके लिए सॉल्व करना इसको बहुत ज्यादा आसान है। नेक्स्ट देखें, अगर आपसे पूछा जाए साइन थीटा किसके इक्वल होता है, आप सिंपल कहते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। आपसे पूछा जाए कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल? बेस ओवर हाइपोटेनियस। और टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। हम याद किस तरह से रखते थे, याद है? ऐसे मतलब सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, इस तरह से हम इसको याद करते थे। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल होता है? हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। और सेकेंट थीटा किसके इक्वल होता है? जो कोस का रेसिप्रोकल, हाइपोटेनियस ओवर बेस। अब यहां से बताएं कोटेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा? बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखें पॉइंट नंबर फाइव। पॉइंट नंबर फाइव क्या?
पॉइंट नंबर फाइव ये है कि आपने हमेशा याद रखना है, जो अगर एंगल हमारे पास माइनस में आए, जो मैं लिख रहा हूं यही इन फंक्शंस के एंगल, साइन का, कोस का, या टेंजेंट का एंगल माइनस में आए, या फिर कोटेंजेंट का एंगल माइनस में आए, तो आपने करना क्या है, आपने हमेशा ये करना है, इन चार की बात करूं, बाकी दो की नहीं करूं, माइनस को आपने जो एंगल वाला माइनस होगा स्टार्ट में लिख देना, बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब इधर देखें, इसमें हम क्या करेंगे, माइनस जो है बाहर आ जाएगा और कोसेकेंट थीटा एज इट इज। नेक्स्ट देखें, माइनस माइनस बाहर आ गया, क्या बचा, टेंजेंट थीटा। ये वाला देखें, माइनस बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, कोटेंजेंट थीटा। बाकी जो फंक्शन है, जैसे कोस की बात करते हैं, कोस का अगर एंगल हमारे पास माइनस में होगा, या सीकेंट की बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे, कोस आपने याद रखना, ये दोनों ना बड़े पुखेशोदे होते हैं, ये क्या करते हैं, हमेशा एंगल के साथ जब भी माइनस आ जाए तो उसे खा जाते होते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, कोस थीटा। सीकेंड भी कोस और इसका रेसिप्रोकल एंगल में जब भी माइनस आ रहा होता है इसे ये खा जाते हैं, ये क्या बच गया, सीकेंड थीटा। ठीक है, क्लियर है, ओके। सिर्फ एक एमसीक्यूज पूछता हूं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, एमसीक्यूज जी सिंपल से एमसीक्यूज है, वो ये कि बताएं माइनस कॉस माइनस थीटा ये किसके इक्वल आएगा, सोच के बताना किसके इक्वल आएगा। आपको पता है कोस जो है वो माइनस को खा जाता है, तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा, यही आएगा। ये वाला माइनस एज इट इज आएगा, कोस आगे वाले माइनस को खाता है, पीछे की तरफ मुंह करके नहीं खा जाता, ठीक है, सिर्फ जो आगे वाला माइनस होगा उसे खा जाएगा, बाकी हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। ओके, क्लियर है। अच्छा, एक और चीज यहां से देख लें, बस हम इसको साथ साथ डिस्कस करते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर वन, जैसे हमारे पास 9.2 पेज नंबर 301 जो है इसको ओपन करके रखें। 301 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास लिखा हुआ है, कहते हैं फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब साइन 160 डिग्री लिखा हुआ है, हमने ये बताना है इसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। ओके, घबराने वाली बात ही नहीं है, हमें ये पता क्या होता है, जीरो ये 90, फिर 180, 270 और 360। क्या लिखा हुआ, 160, साइन 160 का आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, ये हमने बताना है। 160 आएगा कहां पे, 160 90 से तो बड़ा है और 180 से छोटा है, मतलब यहां पे कहीं ना कहीं आएगा 160। तो ये क्वाड्रेंट किसका है, सजना का, साइन यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव, तो सिंपल हमने यहां पे क्या लिख देना है, पॉजिटिव, बस और कोई काम नहीं करना। क्यों, क्योंकि हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, उसके मुताबिक हमने इसको एडजस्ट कर देना है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास जैसे लिखा हुआ है सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट, कोस जो है 190 डिग्री। अब कोस 190 कहां पे आएगा, आप ये देखें बच्चों, 190 जो है 180 से तो बड़ा है, मतलब यहां पे कहीं ना कहीं आएगा, और हम इस तरह पढ़ते होते थे, यहां पे अगर कोस आएगा, कोस 190 इधर ही आएगा ना, कोस इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेंजेंट वाले में नेगेटिव, तो क्या होगा, नेगेटिव। लास्ट वाला देख लें, सिक्स वाला जैसे लिखा हुआ है, सिक्स वाला हमारे पास क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोसेकेंट 297 डिग्री। पहले तो मुझे ये बताएं ना, कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, मतलब इससे मुराद अपने माइंड में साइन रखें। अच्छा, 297 वो यहां पे आएगा, 270 से बड़ा 370, इस क्वाड्रेंट में कोसेकेंट मतलब साइन का उल्ट इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कोस, कोसेकेंट नहीं, कोस और इसका रेसिप्रोकल सेकंड पॉजिटिव होंगे, तो कोसेकेंट इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव, ये हमने नेगेटिव लिख दिया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, टू का कोई भी पार्ट यार बहुत आसान है। अब देखें, पहला ही पार्ट जैसे लिखा हुआ है साइन माइनस 310 डिग्री, क्या करते हैं, इसका आंसर बताना हमने। अब यहां पे उन्होंने डैश डैश छोड़ी है और ये लिखा हुआ है साइन 310 डिग्री, मतलब हमने ये बताना है आंसर प्लस का आएगा माइनस का। साइन क्या करता है, माइनस को हजम नहीं करता, माइनस को बाय निकाल देता है, ये आ गया। कोई भी उठा के देख लें, इसका सिक्स वाला देख लें, क्या कहता है, कोसेकेंट माइनस 15 डिग्री स्लैश यहां पे आ गया कोसेकेंट 15 डिग्री। अब बताएं जरा, कोसेकेंट भी माइनस को बाहर निकाल देता होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है फाइव वाला पार्ट, लिखा हुआ है जी सेकेंट माइनस 216 डिग्री,
क्या कहता है सीकेंट माइनस को, सीकेंट जो होता है माइनस को हमेशा खा जाता होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या बचा सेकेंड 216 डिग्री। अच्छा इसकी भी रीजन है, मतलब माइनस को ये क्यों खाता है, यहां से क्या आंसर आता है, इसको हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 में, ठीक है। इसकी रीजन क्या है चैप्टर 10 में इसको हम डिस्कस करेंगे, वहां पे फॉर्मूला हम एक यूज करके फिर हम इसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखें बच्चों, 3 का जैसे पार्ट 1 हमारे पास लिखा हुआ है, साइन थीटा लेस देन 0 एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन 0, हमने कहते हैं इन विच द क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल। ओए यार क्या मुश्किल है इसमें यार, बच्चों वाला सवाल है। अब ये देखें जरा, हमने सिंपल ये बताना है, ये एंड है यार। ओके मुझे बताएं नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं जो 0 से छोटे होते हैं, पॉजिटिव क्या होते हैं जो 0 से बड़े होते हैं। ओके अब साइन थीटा 0 से छोटा मतलब क्या होगा नेगेटिव, कोस थीटा 0 से बड़ा मतलब क्या होगा पॉजिटिव। ओके यहां पे जरा क्वाड्रेंट बनाओ, जरा क्या था, आओ सजना टूर चलिए। अब बताएं जरा कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें कोस पॉजिटिव होता है, कोस पॉजिटिव दो जगह पे होता है, या तो अपने क्वाड्रेंट में या इसमें, इसमें क्या साइन नेगेटिव होगा नहीं, तो मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है ये वाला, ये वाहिद क्वाड्रेंट है जिसमें कोस तो पॉजिटिव होगा और साइन क्या होगा उसमें नेगेटिव, तो क्या लिखूं यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसका कोई और क्वेश्चन हम देख लेते हैं साथ, जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, जो मैं इसके क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं आपने करने है यार, बहुत आसान से सवाल है वो, क्या लिखा हुआ है नहीं होंगे आपने साथ साथ बता देना उसको, cos थीटा लेस देन 0 एंड tangent थीटा लेस देन 0। अब देखो बेटा cos थीटा 0 से छोटा है मतलब 0 से छोटी वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है, टेंजेंट थीटा 0 से छोटा है क्या होगा ये भी नेगेटिव। अब ऐसा क्वाड्रेंट बताएं जिसमें कोस और टेंजेंट दोनों ही नेगेटिव होते हैं, वो कौन सा क्वाड्रेंट है, साइन का, क्योंकि यहां पे टेंजेंट पॉजिटिव होता है, टेंजेंट यहां पे पॉजिटिव होता है, यहां पे क्या पॉजिटिव होता है कोस पॉजिटिव होता है, यहां पे तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो क्या बचा है साइन, साइन वो क्वाड्रेंट है जिसमें ये दोनों क्या होते हैं नेगेटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड वाला। ओके हो गया बच्चों, इसके भी ये जो एक दो पार्ट हैं ये आपने करने हैं, मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि बहुत आसान है, प्रॉब्लम होगी फिर आपने मुझसे डिस्कस करना है। ओके हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 4 से अब हम जो है अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। अच्छा इन क्वेश्चंस को ना करवाने से पहले कुछ चीजें बताऊंगा जो आपने याद रखनी है, बस अब भूलना नहीं है उसको आपने यार। देखें आपको पता है इस एक्सिस को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको क्या कहते हैं वाई एक्सिस, मुझे सिर्फ ये बता दें इस साइड पे एक्स क्या होता है, हमें ये पता है ये ओरिजिन होता है, ठीक है। राइट साइड पे एक्स की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे एक्स की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, अपर जो वाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है पॉजिटिव, डाउनवर्ड वाई की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, ये तो हमें पता है ना, बिल्कुल पता है। अब देखें मैं जब भी आपसे कहूंगा एक्स एक्सिस की बात है हम चूज करेंगे बेस, जब बेस राइट साइड पे होगी तो क्या होगी पॉजिटिव, जब बेस लेफ्ट साइड पे होगी तो नेगेटिव, आपने खुद सोच लेना बेस क्या होती है एक्स एक्सिस की वैल्यू। अच्छा एक्स एक्सिस की साइड पे आ रहा है आपके आपका ये हमारे पास लेफ्ट साइड होगी, इस इधर क्या होता है नेगेटिव और राइट साइड पे क्या होता है पॉजिटिव, अपवर्ड वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू हमारे पास होगी परपेंडिकुलर वैल्यू, अपवर्ड y की वैल्यू मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव और डाउनवर्ड क्या होती है नेगेटिव, ठीक है। और इसी तरह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने याद रखना है जो हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाइपोटेनियस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि हाइपोटेनियस डिस्टेंस होता है ना, और ये अगर फॉर एग्जांपल ये लाइन में लगाता हूं ये असल में डिस्टेंस होता है हमारे पास, तो ये हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। अब आप ये कहेंगे सर ये भी तो डिस्टेंस होता है ना, होता है डिस्टेंस ही है, ये प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, ये इसकी डायरेक्शन की वजह से लगाते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की वजह से। जब भी हम हाइपोटेनियस चूज करेंगे ये हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है, एक्स और वाई पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं बेस और परपेंडिकुलर, वो उसकी क्वाड्रेंट की वजह से। ओके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 देखें जरा अब क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है जो साइन थीटा है बच्चों वो हमारे पास किसके इक्वल है 12/13। अब कहता है एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमने करना क्या है
एंगल जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उन सब की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब इधर देखें जरा, यहां पे हम डायलॉग लिखते हैं एस साइन थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये तो हमें पता है कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है। हम क्या करते हैं यहां पे डायग्राम बना लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको बताया था डायग्राम इस तरह से बनेगी, थीटा है तो ये थीटा होगा, और मुझे ये बताएं ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है हाइपोटेनियस, ये हमारे पास क्या होता है बेस। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। बच्चों मुझे बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा, 12, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 12। हाइपोटेनियस क्या है 13, यहाँ पे आ गया 13। फाइंड क्या करना है, बेस फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम, स्पेलिंग पूरे लिख देने यार आप लोगों ने, पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है किसके, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है 13, मतलब 13 का स्क्वायर किसके इक्वल, परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या आएगा 12 का स्क्वायर, और बेस हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। ये क्या है हमारे पास 169 इज इक्वल टू 144 प्लस बी स्क्वायर, प्लस से उधर आके माइनस, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 25, यही है ओके। बी स्क्वायर का आंसर क्या आ गया 25। अब बी क्या निकलेगा यहां से हमारे पास, देखें बच्चों बी जो है हमारे पास निकलेगा यहां से प्लस माइनस 5, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लिया हमने, ठीक है बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लिया तो क्या आया प्लस माइनस। अब थोड़ी सी कॉमन सेंस यहां पे यूज होनी है, मतलब मुश्किल सवाल है आप लोगों के लिए। अब देखें बी हम क्या चूज करेंगे, पॉजिटिव चूज करें नेगेटिव चूज करें, शाबाश बताएं, शाबाश एक्सीलेंट, क्या चूज करेंगे यूज बी इज इक्वल टू 5, क्यों, क्योंकि राइट साइड पे है और राइट साइड पे जो एक्स की वैल्यू होती है मतलब बेस की वैल्यू वो क्या होती है पॉजिटिव होती है। यूज बी इज इक्वल टू 5 बिकॉज यहां पे डायलॉग क्या लिख दें, इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब बी की जगह पे क्या लिख दूं मैं 5। साइन थीटा हमारे पास था ना, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने यार, साइन थीटा किसके इक्वल था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो क्या 12 ओवर 13। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, मतलब 5 ओवर 13, यही से बताओ शाबाश। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब 12 ओवर 5। इसी तरह इनके रेसिप्रोकल फाइंड करने हैं, कोसेकेंट थीटा बताएं किसके इक्वल होगा, कोसेकेंट थीटा इक्वल होगा 13 ओवर 12, और यहां से बताएं सेकेंट थीटा किसके इक्वल होगा 13 ओवर 5, और यहां से कोटेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा 5 ओवर 12। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों ओके। नेक्स्ट देखें इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसी का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है कि कोस थीटा जो है ये है 9 ओवर 41, और जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में, तो हमने बाकियों की वैल्यू फाइंड करनी ओके। अब स्पीड पकड़ेंगे हम, देखें एस कोस थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में है फोर्थ में, डायग्राम बनाया जरा फोर्थ में ऐसी डायग्राम बनेगी, यही है ना याद करें, फोर्थ में आपको बताया था डायग्राम कैसे बनेगी, यही बनेगी, ये थीटा होगा ये परपेंडिकुलर होगा ये हाइपोटेनियस होगा और ये क्या होगा बेस। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताएं, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस क्या है 9, हाइपोटेनियस क्या है 41, फाइंड क्या करना है हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। क्या यूज करेंगे, पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमें ये पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास 41, मतलब 41 का स्क्वायर इज इक्वल आएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वो तो फाइंड करना है, और बेस का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर ले जरा जल्दी से सॉल्व करके बताएं, 41 को 41 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 1681 माइनस 81 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब बच्चों ये देखें कि जो हमारे पास पी स्क्वायर निकलेगा यहां से, जो पी स्क्वायर निकलेगा वो निकलेगा 1600, जब हम पी फाइंड करेंगे तो पी आ जाएगा प्लस माइनस 40, ये पी की वैल्यू है। अब यहां पे असल चीज समझने वाली, अगेन यूज करेंगे पी प्लस में या माइनस में, किस में चूज करेंगे,
पी डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड पी की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है. यूज करेंगे एक्सीलेंट, पी इज इक्वल टू -40 बिकॉज इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है. अब क्या लिखूं यहां पे, मैं क्या कर रहा हूं, पी की जगह पे क्या यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं -40, ये लिख दिया मैंने -40. क्या करें आप, डायरेक्ट बताएं साइन थीटा किसके इक्वल होगा? एक्सीलेंट, जल्दी से हरी अब. परपेंडिकुलर ओवर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, वो क्या है 41. कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, जल्दी से बताएं, जल्दी से, बेस ओवर हाइपोटेनियस मतलब 9/41. टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है -40, बेस क्या है 9. और यहां से इसके रेसिप्रोकल बताएं, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट थीटा, वो किसके इक्वल होगा -41/40, और सेकेंट थीटा किसके इक्वल होगा 41/9. ठीक है, और यहां से मुझे बताएं कि कोटेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा -9/41. तो ये वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे जिनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर ली. ओके, सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है. अब देखें नेक्स्ट, देखते हैं जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ये तीनों जो हैं इनमें हमारे पास नेगेटिव वैल्यू यूज हो रही है. कोई एक इसमें से जो है मैं अपनी आपको करवा देता हूं, बाकी जो है वो आपने इसके दो पार्ट खुद ट्राई करने हैं. ओके, देखते हैं बच्चों. अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है कि जो साइन थीटा है वो इक्वल है -1/√2. ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या है, एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट. साइन थीटा क्या है, नेगेटिव है, और कहते हैं जी के थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है. पहले मुझे बताएं साइन नेगेटिव कहां कहां पे होता है, फॉर्मूला क्या था, आओ सजना टूर चलिए, कहां कहां पे होता है नेगेटिव, कहां कहां पे होता है, टेंजेंट में और कॉस में, थर्ड में नहीं है, तो कौन से में होगा, फोर्थ में होगा. बस इतनी सी बात है यार, दो जगह पे साइन नेगेटिव होता है, या तो थर्ड में होता है या फोर्थ में होता है. थर्ड में नहीं है, क्वेश्चन में खुद कहा है उसने, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ में. डायलॉग क्या लिखे, एस साइन थीटा इज इन कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, तो डायग्राम बनाए, ऐसी डायग्राम बनेगी, ये क्या था बेस, ये क्या है हाइपोटेनियस, और ये क्या है परपेंडिकुलर. साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर क्या है 1, अभी माइनस का साइन ही लगा रहा हूं, परपेंडिकुलर क्या है 1, हाइपोटेनियस क्या है √2. अब 1 इसके साथ लगेंगे, इसके साथ लगेगा, हाइपोटेनियस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव क्या होगा पी. क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि पी डाउनवर्ड है. तो पैथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, पी डाउनवर्ड है, हमें पता लग गया पी की वैल्यू नेगेटिव है, तो हमने फाइंड क्या करना है, बी यूज करना है. अब देखें पैथागोरस थ्योरम क्या है, पैथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है, पैथागोरस थ्योरम हमें ये कहता है बच्चों कि जो हाइपोटेनियस है इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. हाइपोटेनियस की वैल्यू बताएं, शाबाश, क्या है √2 इसका स्क्वायर. ओके, इस इक्वल पी की वैल्यू बताएं, -1 इसका स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू बताएं, ये हमने फाइंड करनी है. तो क्या आ जाएगा यहां से, 2 इज इक्वल -1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर. तो कह सकते हैं 2 - 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर किसके निकल आया 1, और बी इज इक्वल क्या आ जाएगा +-1. बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, +-1. अब बताएं हमें क्या इधर चाहिए, +1 चाहिए या -1 चाहिए, क्या चाहिए, बी यूज करेंगे प्लस, क्योंकि बी हमारे पास किस साइड पे है, राइट साइड पे. यूज बी इज इक्वल टू 1 बिकॉज इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो बी की जगह पे मैं क्या लिख दूं, 1 मैंने लिख दिया. अब बताएं यहां से जरा कि साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, साइन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, गुड. इसी तरह बताएं कोस थीटा क्या आएगा, बेस ओवर हाइपोटेनियस, और टेंजेंट थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है -1, बेस क्या है 1, आंसर क्या आ गया -1. तो इसी तरह साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट थीटा, वो क्या हो जाएगा -√2, और कॉस क्या होता है, कॉस यहां से आ जाएगा सेकेंट थीटा, और वो किसके इक्वल है √2, और यहां से बता दें कोटेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा, उसका रेसिप्रोकल भी -1. तो बच्चों ये वैल्यूज हैं जो हमने फाइंड करनी थी. ठीक है,
तो आज जो हमने बेटा डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने डिस्कस किए हैं, जो दो पार्ट मैंने छोड़े हैं आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करनी है। जो भी प्रॉब्लम होगी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बता देना उसको, ठीक है। लेक्चर्स को लाजमी जो है अगर जहां से भी प्रॉब्लम आती है उसको साथ साथ डिस्कस करें ताकि आपकी प्रॉब्लम हम देख सकें। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।